बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे और इससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। आज का जो हमारा लेसन है ये लिया गया है इंग्लिश ग्रेड 7 केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड से, जो इस बुक का यूनिट नंबर 1 है, द लास्ट सरमन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद सल्लम का आखिरी खुतबा। इसका तीसरा टॉपिक यानी तीसरा एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करें। वन डे, एक दिन, वेल ही सेट इन ए केव एट माउंट हेरा, जब वो बैठे हुए थे हेरा के पहाड़ी में, यानि जब वो गारे हेरा में बैठे हुए थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, द एंजल ऑफ रिविलेशन, वही लाने वाला परिश्ता, एंजल परिश्ता, रिविलेशन वही, अपीयर्ड, ज़ाहिर हुआ टू हिम आप पर, एंड सेट, और कहा इकरा, रीड यानि पढ़ो। एक दिन आप सल्लम गार हेरा में बैठी हुई थे या क़याम कर रहे थे कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आपको कहा कि पढ़ो इकरा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आई एम नॉट एबल टू रीड, मैं पढ़ नहीं सकता, बट लेकिन द कमांड, फरमान या हुक्म वाज इशूड, दिया गया, ट्वाइस मोर, दो दफ़ा मज़ीद, लेकिन दो दफ़ा मज़ीद आपको फरमान दिया गया या हुक्म दिया गया, ईच, हर एक, विद द सेम, एक जैसे, रिस्पॉन्स, जवाब, फ्राम द होली पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हर एक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जैसा रिस्पॉन्स किया या एक जैसा जवाब दिया, यानी कि मैं पढ़ नहीं सकता। फाइनली, आखिरकार, ही वाज ग्रेस्ड, आपको पकड़ा, विद ओवरवेलमिंग फोर्स, बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, बाई द एंजल, परिश्ते ने, आखिरकार परिश्ते ने आपको बहुत ताकत के साथ पकड़ा। देन फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रिलीज्ड हिम, आपको छोड़ा, एंड द फर्स्ट, और पहला वर्स आया ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का, वाज रिवील्ड, वही हुआ टू हिम आप पर। और फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको छोड़ा और कुरान की पहली आयात आप सल्लम पर वही हुई।